ये बैठे हैं उदय अत्रोलिया भाई। उदय भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सिराज साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस ऐसे ही कुछ नज्म सुनाइए। अच्छा ठीक है, ठीक सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। तो सुबह सुबह नज्म सुनेंगे आप सर? हाँ नज्म सुनाइए, कविता सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, जो आपकी इच्छा हो वो सुनाइए। चलिए सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। तो ये नज्म है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, बहुत ही प्रसिद्ध नज्म है, आपने सुनी होगी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उन्होंने ये लिखी थी, विडम्बना पर, असमंजस पर और कन्फ्यूज़न पर। तो नज्म ऐसी है कि यहाँ से शहर को देखो तो हल्क दर हल्क, खिंची है जेल की सूरत हर एक सिमत फसील, हर एक राह गुजर गर्दिशे असीरा हैं, न संगे मील न मंजिल न मुखलिसी की सबील, जो कोई तेज चले रहे तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं, जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल, कोई खनक कोई झंकार क्यों नहीं आए। यहाँ से शहर को देखो तो सारी खलकत है, न कोई साहिब तमगी न कोई वाली होश, हर एक मर्द जवा मुजरिम है रसन व गुलू, हर एक हसीना एराना कनीज हल्का बगोल, जो साए दूर चरागों के गिर्द लर्जा है, न जाने महफिल गम है कि बस में जाऊँ सुबह, जो रंग हर दरो दीवार पे परेशान है, यहाँ से कुछ नहीं खुलता ये फूल है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।